हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन मैट्रिक्स क्लासेस। आज बेटा जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा कॉन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। अब इस कॉन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो चीज़ डिस्कवर की जाती है उसको देखना, जैसे कुछ टर्मिनोलॉजीज आती हैं। जैसे हमारे पास पहला आता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मतलब कन्वर्ट करना, है ना। तो कन्वर्ट करना, जैसे स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है इसकी, डब्ल्यू इक्वल टू जेड प्लस का कितना, सी आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। डब्ल्यू को लिखते हो यू प्लस आयोटा वी, जेड होता है एक्स प्लस आयोटा वी, ऐसे सी को लिख देते हैं ए प्लस का कितना आयोटा बी रख दिया जाता है। ठीक है, तो यू प्लस आयोटा वी एक बार रियल पार्ट को एक साथ कर लो और फिर इमेजनरी वाले पार्ट को एक साथ कर लो। यू की वैल्यू कितनी एक्स प्लस है और वी की वैल्यू कितनी वाई प्लस भी हो गया। डेल यू बाय डेल एक्स करेंगे, एक बार डिफ्रेंशिएट किया, डेल यू बाय डेल वाई किया, डेल वी बाय डेल एक्स किया तो जीरो, क्योंकि एक्स की कोई टर्म ही नहीं, और डेल वी बाय डेल वाई किया तो उसके अंदर वाई की वैल्यू कितनी हो गई वन। अब आपको सी आर इक्वेशन वेरीफाइड हो रही है, देखो दोनों बराबर हैं और ये दोनों भी आपस में बराबर हैं, है ना। तो डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाय डेल वाई, और डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू माइनस का कितना डेल वी बाय कितना डेल एक्स। अब ये इक्वल हो गए, मतलब ये सी आर इक्वेशन क्या हो गई आपकी, वेरीफाइड हो गई प्रॉपर तरीके से। सी आर इक्वेशन आपने क्या कर दिया, वेरीफाइड कर दिया। ठीक है, अब सी आर इक्वेशन वेरीफाइड होगी तो डी डब्ल्यू बाय डी जेड निकालने का तरीका वो कब वही, डेल यू बाय डेल एक्स प्लस का आयोटा डेल यू बाय कितना डेल वाई, डेल यू बाय डेल एक्स की वैल्यू कितनी है वन, वन आ जाएगा। तो इस हिसाब से आपके पास चीज़ें डेवलप हो गई इसके अंदर। मतलब आपको सिर्फ स्टैंडर्ड इक्वेशन, मतलब ये ट्रांसलेशन का मतलब कोई क्वेश्चन नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मेट से पता होना चाहिए कि डब्ल्यू को क्या लिखते हैं, जेड को क्या लिखते हैं जब ट्रांसलेशनल होता है, कांस्टेंट को भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्मेट में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, वो इसका मोटो है बताने का। अभी पोलर भी आएंगे तो वो भी इन्हीं के अंदर कॉन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आती है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन आता है आपका इन्वर्जन एंड रिफ्लेक्शन। इन्वर्जन और रिफ्लेक्शन क्या कहता है, डब्ल्यू इक्वल टू कितना वन बाय जेड, डब्ल्यू को क्या लिखते हैं इन्वर्जन मतलब रिवर्स करना और रिफ्लेक्शन मतलब इमेज को बताना। तो डब्ल्यू इक्वल टू कैपिटल आर ई की पावर आयोटा फाइव, जेड को लिख दिया आर ई की पावर कितना आयोटा थीटा, तो आर की वैल्यू कितनी होगी वन अपॉन आर, और फाइव इसको ऊपर भेज दिया ई की पावर माइनस का कितना थीटा, तो आर हो गया आपका वन अपॉन आर और फाइव हो गया आपका कितना माइनस का थीटा। तो इस हिसाब से आपने इन्वर्जन का देख लिया। अभी जब अपन प्रूफ वाले क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ पर ये सारा डिटेल फॉर्मेट में आपके काम आएगा, तो वहाँ पर इसको जनरलाइज करेंगे। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन बाईलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं आपके बाईलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पर किस तरीके से होते हैं, ध्यान से देखना। बाईलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपका कहता है डब्ल्यू इक्वल टू ए जेड प्लस का डी अपॉन सी जेड प्लस का डी। इसमें आपको ए बी सी डी को रिमूव करना होता है, बस आपका मेन टारगेट क्या होता है कि ये ए बी सी डी रिमूव हो जाए। अब आपके पास इसके अंदर खास बात क्या होती है कि यहाँ पर हमेशा इक्वेशन जो होती है वो आपकी तीन ही बन पाती है, तो आपको क्या करना पड़ता है, अननोन तो चार निकाल लें, तो वो अननोन जब फोर निकालने होते हैं तो उसके अंदर यानी तीन को आपको चौथे के टर्म में निकालना होता है, ये आपका मेन टारगेट होता है करने का। बस कैसे भी करके आपको तीन वेरिएबल्स को, तीन ए बी सी को डी की टर्म में लिया हो या ए सी बी को, है ना, इस तरीके से आप लोग मैनिपुलेट करेंगे। तो फाइंड द बाईलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स द पॉइंट, पॉइंट दे रखे हैं आपके जेड इक्वल टू वन माइनस वन आयोटा और कितना माइनस का वन, इन टू द पॉइंट्स डब्ल्यू इक्वल टू आयोटा जीरो और माइनस का आयोटा, इस टाइप से आपको मैप करना है। हिंस फाइंड द इमेज, और फिर इसकी इमेज भी बतानी हो बेटा। इमेज हमेशा यू और वी की टर्म में होती है, इमेज हमेशा किसकी टर्म में होती है, यू में या वी की टर्म में होगी, इसके अलावा नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जेड अगर वन है तो डब्ल्यू कितना है आयोटा, जेड अगर वन है तो डब्ल्यू कितना है आयोटा है, ऐसे ऐसे इसका पहला और इसका पहला लेना है। जेड की वैल्यू आयोटा है तो डब्ल्यू इक्वल टू कितना है आपका जीरो है, उसको पहला पहला का लेना है। ठीक है, ये आपने ये ले लिया, देन जेड इक्वल टू माइनस का वन, डब्ल्यू इक्वल टू कितना लेना है माइनस का कितना आयोटा लेना है, तो इस हिसाब से आपको मैनिपुलेट करना है। तो डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो गया आयोटा, डब्ल्यू की जगह रख दिया आपने कितना आयोटा, जेड की जगह कितना लिख दिया वन, है ना, तो ए प्लस का बी अपॉन सी प्लस का डी आपकी पहली इक्वेशन आ गई। सिमिलरली डब्ल्यू की जगह जीरो रखा और जेड की जगह क्या रख दिया आयोटा, तो जीरो इक्वल टू ए आयोटा प्लस का बी अपॉन सी आयोटा प्लस का डी हो गया, तो बी की जगह कितना हो गया माइनस का आयोटा ए हो गया। सिमिलरली तीसरा वाला रखा, यहाँ पर माइनस का आयोटा, जेड की जगह माइनस का वन, माइनस ए प्लस का बी इक्वल टू माइनस सी प्लस का डी। ठीक है, अब बेटा पहली और तीसरी इक्वेशन को देखो, ये भी आयोटा है ये भी आयोटा है, यहाँ से आयोटा की वैल्यू उठा करके इसकी जगह प्लेस कर दिया, पर बाहर माइनस साइन है। ठीक है, एज इट इज़ अपन को बस अब इन तीन रिलेशन से ए बी सी डी निकालना है, बस ये टारगेट है। तो पुट कर दिया आयोटा की वैल्यू यहाँ पर, माइनस ए प्लस का भी अपन माइनस सी प्लस का डी प्लेस कर दिया, डन, है ना। अब आगे देखना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, नीचे वाली टर्म ऊपर वाले से और ऊपर वाली टर्म इधर वाले से। ठीक है, देखो सी माइनस ए माइनस का भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस सी प्लस का डी,
और यहाँ पर वही आ गया माइनस ए प्लस का बी और सी प्लस का डी। ब्रैकेट ओपन कर दिए बेटा, ए डी से इधर वाला ए डी से ये वाला ए डी कैंसिल, बी सी से बी सी कैंसिल हो गया। ए सी और ए सी, टू ए सी इक्वल टू कितना हो गया, टू बी डी। ए सी इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, बी डी आ गया। ठीक है, अब बी की वैल्यू, बी की वैल्यू ध्यान से देखना बेटा, बी की वैल्यू अपन ने कहाँ से निकाली है, प्रीवियस वाले पे जाओ। देखो इधर, इधर बी की वैल्यू आपने कहाँ से निकाली, ये वाले पॉइंट से निकाली, इक्वेशन नंबर टू से। ये नीचे वाला डिनोमेटर वाला पार्ट तो आपका कहाँ चला गया, ऊपर की तरफ चला गया, है ना। और बी इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का आयोटा ए आ गया। इस हिसाब से आपने क्या बना दिया, इसको बना दिया। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का आयोटा आ गई इसके रेस्पेक्ट। ठीक है, तो ये भी आपका एक सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। अब आगे अपन देखेंगे इसमें आगे क्या क्या मैनिपुलेशन करने हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, ये आपका नया आ गया, बी की जगह माइनस का आयोटा ए प्लेस कर दिया, ए से ए कैंसिल, सी को से कितना हो जाएगा, माइनस का कितना आयोटा डी प्लेस कर देंगे, है ना। तो सी की जगह माइनस का आयोटा डी प्लेस कर दिया लाइक दिस। पुट, अब इसकी वैल्यू, बी की वैल्यू आयोटा ए माइनस आयोटा ए और सी की वैल्यू माइनस आयोटा डी पहली वाली इक्वेशन में प्लेस कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन जो आपने निकाली थी उसके अंदर इसको आप क्या कर दो, प्लेस कर दो। आयोटा इक्वल्स टू ए की जगह तो ए, बी की जगह माइनस आयोटा है, डी की जगह तो डी और सी की जगह माइनस का आयोटा डी प्लेस कर दिया। ए ए कॉमन ले लिया, वन माइनस का आयोटा डी, वन माइनस का कितना आयोटा, दोनों कैंसिल, वन माइनस आयोटा से वन माइनस आयोटा कैंसिल आउट। ए की वैल्यू भी कितनी आ गई, डी। अब ए भी डी में आ गया, सी पहले से ही डी में था। अब ए की वैल्यू उठा करके इस बी वाले में प्लेस कर देंगे तो बी भी डी में आ जाएगा, यानी ए बी और सी तीनों के तीनों किसकी टर्म्स में आ गए, डी की टर्म्स में आ गए। यानी अब बी पुट कर देंगे मेन इक्वेशन में और आपका डी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो डी को कैंसिल आउट करेंगे अब अपन हमारे वाला एक्सप्रेशन से। लिसन, देखो ध्यान से किस तरीके से करना है। पुट ऑल द वैल्यूज ऑफ ए बी सी की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर डाला डब्ल्यू इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी में। ए की जगह पुट कर दिया आयोटा डी, बी की जगह पुट कर दिया कितना माइनस का डी, सी की जगह पुट कर दिया माइनस का आयोटा डी, डी डी कैंसिल हो गई। ये आपका क्या आ गया बेटा, बाईलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। इसको क्या कहते हैं अपन, बाईलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अब एक और क्वेश्चन में चीज़ पूछी थी कि इमेज बताओ, क्वेश्चन में एक और चीज़ क्या पूछी थी कि इमेज फाइंड आउट करो। देखो क्वेश्चन क्या था आपका, हिंस फाइंड द इमेज ऑफ मॉड जेड इज लेस देन कितना वन, इसकी इमेज बतानी। ठीक है, तो अब उसकी इमेज कैसे बताएंगे, ध्यान से समझना और करना। ठीक है, देखना बेटा ध्यान से, लिसन, जैसे अपन करना चाहते हैं वहीं पर ही बता दो। मॉड जेड इज़ लेस देन किसके लिए बताना है, वन के लिए। मॉड जेड इज़ लेस देन वन यानी यहाँ से जेड की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। अब जेड की वैल्यू कैसे निकलेगी उसको अपन ध्यान से देखेंगे किस तरीके से करना है। हाँ, तो पहले जेड की वैल्यू निकाल लो बेटा यहाँ से, डब्ल्यू माइनस का डब्ल्यू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, माइनस का W आयोटा Z, ठीक है, प्लस का कितना W इक्वल्स टू आयोटा Z माइनस का कितना वन, माइनस का कितना वन। यहाँ से Z निकाला, Z कॉमन ले लिया, माइनस का कितना W आयोटा, माइनस का कितना W आयोटा, माइनस का कितना आयोटा इक्वल्स टू, इसको उधर भेज देंगे, माइनस का वन, माइनस का कितना W। ठीक है, इज इट ओके, ये वाली बात समझ में आ गई ना कैसे करना है। बस अब इसको डब्ल्यू जेड की वैल्यू निकाल दो, जेड इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस साइन कॉमन ले लिया, डब्ल्यू प्लस का कितना वन, डब्ल्यू प्लस का कितना वन अपॉन, माइनस साइन इसका भी कॉमन ले लो, डब्ल्यू आयोटा प्लस का कितना आयोटा। ठीक है, आ जाएगा, तो ये आयोटा अपन ने यहाँ पर प्लेस कर दिया। चलो यहाँ पर फ्रेशली करता हूँ, ध्यान से देखना क्या चल था हमारे पास। W इक्वल टू कितना आया था, W इक्वल टू आया था बेटा आपके पास आयोटा Z माइनस का वन अपॉन माइनस का आयोटा Z प्लस का कितना आया था वन आया था। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, W माइनस का W, माइनस का W आयोटा Z प्लस का कितना W इक्वल्स टू आयोटा Z माइनस का कितना वन। यहाँ से Z कॉमन ले लो बेटा, माइनस का W आयोटा, W आयोटा माइनस का कितना आयोटा इज इक्वल्स टू माइनस का वन माइनस का कितना W। अब आपने यहाँ से Z निकाला, माइनस कॉमन ले लेना बेटा, W माइनस का कितना वन अपॉन, यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लेना, W आयोटा प्लस का कितना हो जाएगा आयोटा। ठीक है, अब आपके पास क्या था, मॉड Z इज़ लेस देन वन के लिए बोला था उसने कि इसकी इमेज बताओ। अब ये Z की वैल्यू उठा करके इसके अंदर प्लेस कर देंगे, पहले इस माइनस से इस माइनस को क्या कर दो, कैंसिल आउट कर दो। अब मैं इसको देख रहा हूँ कि ये किस तरीके से होगा, तो उसको अपन आगे देखते हैं। नेक्स्ट, मॉड जेड इज लेस देन जेड की वैल्यू प्लेस करेंगे, देखना बच्चा।
कितना आया, मॉड z इज लेस देन कितना, 1 के लिए. w माइनस का कितना, 1 अपॉन आयोटा कॉमन ले लिया, w प्लस का कितना, 1 लेस देन कितना, 1. w की जगह प्लेस कर दो u प्लस का कितना, आयोटा v, u प्लस का आयोटा v माइनस का 1 अपॉन आयोटा, w की जगह u प्लस का कितना, आयोटा v, u प्लस का आयोटा v प्लस का कितना, 1 इज लेस देन कितना कर दिया, 1. ऊपर का ऊपर u माइनस का 1 और प्लस का कितना, आयोटा v एक साथ, और नीचे का नीचे मैग्नीट्यूड आयोटा से अंदर भेज दो, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, तो माइनस का v और प्लस का कितना, आयोटा, और यहाँ हो जाएगा u प्लस का कितना, 1. ठीक है, अब आपको इसका मैग्नीट्यूड लेना है बस, रियल का स्क्वायर u माइनस 1 का स्क्वायर अंडर रूट में, ध्यान से देखना. तो ऊपर वाले के अंदर रियल का स्क्वायर यानी u माइनस 1 का क्या करना है, होल स्क्वायर प्लस क्या करना है, वी स्क्वायर अपॉन में कितना, अंडर द रूट ऑफ वही वी स्क्वायर माइनस वी का स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस यू प्लस 1 का क्या, होल स्क्वायर, यू प्लस 1 का क्या, होल स्क्वायर इज लेस देन कितना कर दिया, 1. स्क्वायरिंग कर दो बेटा दोनों साइड और उसको ऊपर वाले को खोल दो, यू स्क्वायर माइनस का 2u प्लस का 1 प्लस का कितना, वी स्क्वायर इज लेस देन वी स्क्वायर प्लस का कितना, यू स्क्वायर प्लस का कितना, 2u प्लस का कितना, 1. इस यू स्क्वायर से ये यू स्क्वायर कैंसिल, इस 1 से ये 1 कैंसिल, इस वी स्क्वायर से ये वी स्क्वायर कैंसिल, इसको उधर भेज दो बेटा या इसको इधर भेज दो, तो 0 इज लेस देन 4u आ जाएगा, यानी u इज ग्रेटर देन 0, दैट इज कॉल्ड एज इमेज. इसको क्या कहते हैं अपन, इमेज, हमेशा u और v की टर्म्स में ही आएगी ऑलवेज. अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उनको बहुत ध्यान से करना और कंप्लीट करने की कोशिश करना, ठीक है, ओके.